हाँ जी बेटा, कंटिन्यू करते हैं कोर्स के इवोल्यूशन को, ठीक है ना। देखो कंपैरेटिव, ये बस इनके एक कंपैरिजन बना लेना कि कितने मिलियन साल पहले ये पैदा हुए, कहाँ पर मिले, कौन से एपोक में मिले, और सबसे मेन जो पॉइंट लिखना है वो इनकी फिंगर्स का ही लिखना है ना। देखो जो मैरी हिप्पस था उसको रूमिनेटिंग हॉर्स बोला गया, ये कहाँ से आया, मीजो हिप्पस से आया, ठीक है। वो 60 मिलियन साल पहले, 40 मिलियन साल पहले, और जो ये तीसरा फॉसिल मिला ये कब मिला, 25 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। स्मॉल पोनी के जैसा इसका साइज था, ये था अपने शोल्डर से कितना 100 सेंटीमीटर लेंथ थी, इसकी जो नेक थी वो थोड़ी सी लंबी थी। फिर वही फिंगर्स की बात आ गई कि जो फोर और जो हाइंड फिट थी उन पे तीन फिंगर तीन टोज वगैरह थी, जो बीच वाली थी वो क्या करने के लग रही थी, पूरी बॉडी का वेट मेंटेन करने के लग रही थी। इस टाइम पे कोई भी स्प्लिंट वगैरह नहीं थी, ठीक है, और स्प्लिंट ना होने की वजह से इसके अंदर क्या होते गए, मॉडिफिकेशंस चलते गए, क्लियर। अब देखो जो टीथ थे वो सीमेंट से थोड़े से लंबे थे, मोलर टीथ वगैरह में सेरेशंस यानी कि सेपरेशंस वगैरह आनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट जो कि 10 मिलियन साल पहले हुआ उसका नाम है प्लियोहिपस, ये मिला था प्लियोसीन हॉर्स के नाम से, प्लियोसीन एपोक में मिला, क्लियर। 120 सेंटीमीटर हाइट थी इसकी शोल्डर से, फिंगर्स वगैरह कंप्लीट थी, एक कंप्लीट टो थी, और इसको इट इज नोन एज द फर्स्ट वन टोड हॉर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लियोहिपस को फर्स्ट वन टोड हॉर्स के नाम से जाना गया। इसने घास खानी शुरू कर दी थी, दांत इस अकॉर्डिंग थे कि वो इजीली जो ग्रास थी उसको बाइट कर सकते थे, क्लियर। और फाइनली आया मॉडर्न हॉर्स, मॉडर्न हॉर्स जिसको कि हम एक्वस के नाम से जान, मॉडर्न हॉर्स जो कि प्लियोहिपस से आया था, क्लियर बेटा। और ये वो मिला था प्लियोसीन में, ये कब अराइज हुआ, प्लिस्टोसीन एपोक में, अबाउट 9 to 10 lakh ईयर्स अगो, ठीक है, 9 to 10 lakh साल पहले ये हुआ था। अमेरिका वगैरह में मिला, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गया एक्सेप्ट द ऑस्ट्रेलिया। इसकी हाइट कितनी थी शोल्डर से, 150 सेंटीमीटर। इसकी लॉन्ग हेड वगैरह थी, सिर्फ इसके पास अब एक फिंगर थी, एक टो था, और उनमें दो स्प्लिंट है ना, इस तरह। उसके बाद जो क्राउन वगैरह थे एनामल्ड, एनामल थी इसके ऊपर, और ये आराम से ग्राइंड कर सकता था। तो देखो काफी इजी है ना, सिर्फ हमें इनको कंपैरिजन लिखना कौन कितना था, और मेन है इनके नाम। तो जो इनके नेम है बेटा वो काफी सिंपल है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात थी फॉसिल्स से हमें क्या क्या मिला। तो फॉसिल्स में हमने तीन पढ़ लिया ना, फॉसिल्स खुद बारे में, फिर हमने पढ़ा मिसिंग लिंक के बारे में, और एक फॉसिल हमने कर लिया हॉर्स का। अब बात करेंगे कि इसके अलावा भी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी भी एविडेंस प्रोवाइड करती है। किसके एविडेंस प्रोवाइड करती है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गन्स हो गए, बॉडी स्ट्रक्चर हो गई, हर चीज एविडेंस देती है। और इन्हीं एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गन्स। ये आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छे से किया था, है ना, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। देखो होमोलोगस, ये देखो एक बार ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है, द ऑर्गन्स विच हैव सेम ओरिजन बट डिफरेंट फंक्शन, वो ऑर्गन जिनका ओरिजन सेम है। देखो इंटरनली एक दूसरे के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। ये जितनी भी आपको बोन्स जो दिखाई दे रही है इंटरनली सारी सेम है, ह्यूमरस है, एक है मैन की, एक चित्ता की, वेल की, बैट की, उसके बाद रेडियो अल्ना भी है, कलाई की जो बोन होती है कार्पल, अथेली पे जो बोन्स होती है मेटाकार्पल, और फिंगर्स में जो बोन होती है फैलेंजीज, चारों में होती है। लेकिन इनका सबका फंक्शन अलग है, कैसे हम यूज करते हैं किसी चीज को पकड़ने में, चित्ता हेल्प ले रहा है उस चीज को, ठीक है, ये फोर लिम्स है, आगे के हाथों की बात हो रही है, भागने में वेल किस में ले यूज करने के लग रही है, स्विमिंग में, बैट किस चीज में यूज करता है बेटा इस चीज को, फ्लाइंग में। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरनली ये सब एक है, इनका ओरिजन सेम है ना,
भाई जब हमने इन चारों की बात की तो देखो इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर है सबका सेम है, लेकिन जो इनका फंक्शन है सबका वो क्या होता है बेटा, अलग अलग। तो वो ऑर्गन्स जो कि फंडामेंटली सेम है, इंटरनली सेम है, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग हो जाए, दीज आर नोन एज द होमोलोगस ऑर्गन। तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन रहते हैं दे शो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज देखो कोई चीज ऐसे है और फरकेट हो गई, एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब इनका एंसेस्टर सेम है ना भाई, एंसेस्टर सेम है लेकिन उनका सबका फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो। क्लियर, समझ में आया अच्छे से? चलो इनको हम नाम देते हैं होमोलोगस ऑर्गन। इसके अलावा जो ये होमोलोगस ऑर्गन का जो एग्जाम्पल है, हम जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनके माउथ पार्ट से भी लेते हैं। किस किस का माउथ पार्ट ले लेंगे? अब हम माउथ पार्ट ले लेंगे कॉकरोच, हनीबी, मॉस्किटो और बटरफ्लाई। इंटरनली फंडामेंटल का मतलब है बेटा इंटरनली सारे एक जैसे हैं। अब थोड़ा सा प्लस वन की तरफ चलो, याद है लैब्रम करवाया था ना, जबड़े और टंग, इनको हम अलग अलग नाम देते हैं, लैब्रम, मैंडिबल, मैक्जिले, लेकिन हर एक का फंक्शन क्या होता है, अलग। कैसे? कॉकरोच के जो माउथ पार्ट है वो बाइटिंग और चीविंग में हेल्प करते हैं, हनीबी के चीविंग और लैपिंग, फिर उसको चूसती है, मॉस्किटो के पायरसिंग है ना, जाता है स्किन के अंदर और किसी चीज को सक करता है, और लेकिन हाउस फ्लाई में वो क्या करती है बेटा, सिर्फ जो ड्रॉपलेट्स रहती हैं उसको उठाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरनली सेम है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग। अब हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। बोगनविलिया, जो ये बोगनविलिया होता नहीं, अपने यहाँ आसपास भी कॉमनली मिल जाते हैं, इस पर या तो पिंक फ्लोवर आते हैं या वाइट कलर के फ्लोवर आते हैं। आज मैं इसकी पिक्चर भेज दूंगी ग्रुप में कि जो बोगनविलिया होता है, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा वो क्या होता है। टेंड्रिल्स तो सारे जानते हो ना, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, लीफ की जो मॉडिफिकेशंस वगैरह होती हैं, स्टेम की जो मॉडिफिकेशन होती है। तो देखो आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ककरबीटा तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बोगनविलिया की आज मैं आपको पिक्चर अवेलेबल करवा दूंगी, फोटो इसकी अवेलेबल करवा दूंगी प्लांट की। तो जो बोगनविलिया के ऊपर जो कांटे होते हैं ना, जो थोर्न होते हैं, ठीक है, और ये जो ककरबीटा की जो टेंड्रिल्स होती हैं बेटा, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। कैसे? दोनों ही एक्जिलरी पोजिशन है, ठीक है, दोनों ही एक्जिलरी पोजिशन है इनकी, और इनका फंक्शन यानी कि इनका जो ओरिजन है वो सेम है लेकिन इनका फंक्शन अलग। ये ब्राउजिंग एनिमल्स इसको प्रोटेक्ट करता है, ये इस चीज को किसी चीज में इसमें बढ़ने में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गन विच आर नोन एज द एनालोगस। एनालोगस होमोलोगस से अपोजिट है, इसका मतलब इंटरनली अलग लेकिन फंक्शन सेम, समझे? इंटरनली होमोलोगस क्या थे, इंटरनली सेम फंक्शन अलग, लेकिन ये इंटरनली अलग होते हैं और फंक्शन होता है इनका सेम, ऐसे और फंक्शन इनका सेम। तो देखो ये यानी कि इस टाइप के जो हमने पढ़े होमोलोगस ऑर्गन वो तो ये थे कि एक से अराइज हुए लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग हो गए। एनालोगस ऑर्गन ये उल्टी डायरेक्शन में, देखो ये चार अलग है लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सेम। तो ये एक जगह इकट्ठे हो गए ना, यानी कि ये शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। विंग्स दिखाई दे रहे, एक विंग लिया इसने बर्ड का, एक लिया इंसेक्ट का, अलग है। ये हमारी बोन होती है इसके पास, ये मेम्ब्रेन होती है, इंटरनली दोनों अलग है लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सेम। कैसे? दोनों ही फ्लाइंग में हेल्प करती। दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ द डॉल्फिन। ये शार्क और जो डॉल्फिन है, ठीक है, डॉल्फिन के फ्लिपर जो इसकी फोरलिम का काम करते हैं, और इसका पेक्टोरल यानी कि शोल्डर, ठीक है, पेक्टोरल बताया था ना, शोल्डर फिन, दोनों का बेटा अलग अलग होता है लेकिन इनका फंक्शन सेम है, दोनों ही स्विमिंग में हेल्प करते हैं।
स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हनी बी और स्कॉर्पियन दोनों ही अलग है, एक आर्थ्रोपोडा में आता है, एक किधर जाएगा, सो ये इंसेक्टा में आती है। स्कॉर्पियन भी अलग होता है, आर्थ्रोपोडा में है, लेकिन इनका जो ग्रुप है वो क्या है, दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एनालोगस है, इंटरनली अलग है, लेकिन उनका फंक्शन सेम है, अपने एनिमी से अपने आप को क्या करते हैं, बचा। ठीक है, एक एग्जांपल एनालोगस ऑर्गन का दिखाई दे रहा होगा किस किस में, स्टेम टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा, दो एग्जांपल लिए, देखो स्टेम का टेंड्रिल लिया है और लीफ का टेंड्रिल, यानी कि एक टेंड्रिल मॉडिफिकेशन है स्टेम की, एक टेंड्रिल मॉडिफिकेशन है लीफ की, लेकिन दोनों का सेम काम है। ये तो पी प्लांट है, ये पैसिफ्लोरा है, लेकिन दोनों में काम क्या है, अरे भाई हेल्प करना कि वो किसी चीज से अटैच होए, स्पोर्ट होए, और वो उसको बेल को बढ़ने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन में अगर अलग अलग नहीं आएंगे तो कई बार आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, आराम से कर सकते हैं, क्लियर। चलो जी, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। सबसे सिंपल है बेटा, वो ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल थे, ठीक है, वो ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर पूर्वजों में काम करते थे, आज हमारे अंदर क्या हो चुके, नॉन फंक्शनल। जैसे अपनी अपेंडिक्स है ना, पहले फंक्शनल थी, अब कैसी है, नॉन फंक्शनल। तो वो ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल इन द एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों में काम करते थे, बट दे गेट वेस्टिज, वेस्टिज का मतलब होता है नॉन फंक्शनल इन द प्रेजेंट पॉपुलेशन, दीज आर नोन एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। आंख की निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है ना, ये जो मसल्स, ऑरिकुलर जो मसल्स रहती है, कई लोग अपने पिन्ना को हिला लेते थे, हमारी अक्कल जाड़, विजडम टीथ कोई काम ही नहीं है, 25-27 साल तक आती रहती है। मेल के जो बॉडी हेयर्स थे, निप्पल जो हैं, ठीक है, इसके अलावा जो कोडल वर्टिब्रा ना, ये 5 और 4 जो आज के टाइम पे फ्यूज हो रखी है, हमारे एंसेस्टर में ऐसी नहीं थी बेटा, जो ये वर्टिब्रा थी हमारे एंसेस्टर में अलग अलग थी, लेकिन हमारे अंदर आज के टाइम पे क्या हो चुकी है, फ्यूज हो चुकी है, टेल बोन हम जिसको बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वगैरह, कर लोगे। चलो जी, उसके बाद इनको प्लांट और एनिमल्स वगैरह में भी कर लेना, क्योंकि बाय चांस आपकी कंपटीशन में ये चीजें पूछ ली जाए। नेक्स्ट बात हम करते हैं कनेक्टिंग लिंक, ये कुछ ना कुछ आपको मिसिंग लिंक के जैसा मिलेगा, द ऑर्गेनिज्म दैट हैज कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, जैसे मिसिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स किया था, लेकिन बेटा जो मिसिंग लिंक होता है वो फॉसिल के ऊपर, हमने उसके आगे लिखा था नाम फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक के आगे हम फॉसिल नहीं लिखेंगे, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच हैज कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, वही उसके जैसा सेम ही है। जैसे युगलिना, पहले भी बताया था, लाइट मिल गई तो खाना खुद बना लेगा, नहीं मिली तो डाइएटम्स को खाने लग जाता है, प्लांट के भी करैक्टर है, एनिमल के भी करैक्टर होते हैं। प्रोटेरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, नेफोलिना एनालिडा और मोलस्का के बीच का करैक्टर, ये पेरिपेटस आर्थ्रोपोड है, एनालिडा आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। बेलेनोग्लोसस, थोड़ा सा प्लस वन को भी रिवाइज कर लेना, हेमिकोर्डेट था कि आधे करैक्टर उसके नॉन कोर्डेट के थे और आधे करैक्टर उसके किसके होते हैं, कोर्डेट के। और आपके पास 150% क्वेश्चन आता है इस लंग फिश का, इस लंग फिश की डिस्क्रिप्शन आगे भी आएगी, तब हम करेंगे ये इसका पहला कहाँ पर मिली थी, क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो लंग फिश होती है वो कनेक्टिंग लिंक होती है फिश और एम्फीबियन के बीच में, सॉरी ये लैटिमेरिया कोलियोकैंथ फिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस पे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था, और एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था शायद नीट में या एम्स में पूछा गया था, कोलियोकैंथ फिश, फिश और एम्फीबियन के ही बीच का कनेक्टिंग लिंक, आपके पास इनके ये नाम आ जाते हैं एमसीक्यू में, और कनेक्टिंग लिंक पूछा जाता है कि किस किस के बीच का होता है, एक काइमेरा होती है कार्टिलेज फिश और बोनी फिशेज के बीच का कनेक्टिंग लिंक, एग लेइंग मैमल, ठीक है, एक तो ये डक बिल्ड प्लैटिपस दिखाई दे रहा है, एक टैकोग्लाइसिस स्पाइनी आंट ईटर हम जिसको बोलते हैं, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द मैमल, क्लियर। और लास्ट आता है यहां पर इन एविडेंस में एटाविजम, एटाविजम का मतलब है
क्या रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्टर करेक्टर, जैसे कई बच्चे पूछ के साथ पैदा होते। क्लियर? ओके।